एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। इसमें दिया है किसी शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स, कोई भी 80 आर्टिकल्स जो भी चीज़ें है थी उसने 2400 रुपीस में बेच दी, ठीक है। कितने प्रॉफिट से? 16% प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है, उसने बेच दी। अब उसका हमको सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसका वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या था। यहाँ पे 80 आर्टिकल्स का पहले हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन शॉपकीपर्स बाय कितने खरीदा उसने, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही होता है खरीदने का, मतलब उसने कितना 80 आर्टिकल्स कितने उसमें खरीदा, 2400 रुपीज में खरीदा। अब हम वो बेचा कितने में उसने, 16% के प्रॉफिट से बेचा है उसने, ठीक है। तो हमको 16% के प्रॉफिट से जो भी बेचा है उसका हमको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने से बेचा है। अभी हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे शॉपकीपर्स बाय 80 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 2400 कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमें वन आर्टिकल के हिसाब से निकालना पड़ेगा तभी हमारा सेलिंग प्राइस भी वन आर्टिकल के हिसाब से निकल के आएगा। तो हमारा वन आर्टिकल का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2400/80। इसी तरह से निकालते हैं हम, 0 से 0 गया, 8 3 24 आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया हमारे पास 30 रुपीज एक का कॉस्ट प्राइस। अब बेचा कितने में वो हमको कैसे पता चलेगा, पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से कितना प्रॉफिट उसको मिला, कितने प्रॉफिट से उसने बेचा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसी तरह से बॉक्स में रखिए जिससे कि आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 16%। प्रॉफिट हमें नहीं पता है वो हम निकालेंगे, हमको सीपी पता है कॉस्ट प्राइस जो हमने निकाला है एक का, सॉरी इंटू 100, ठीक है। 30 निकाला था हमने कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का, उसी हिसाब से हम यहाँ पे रख देंगे। हम निकालेंगे अब 0 से 0 गया, ठीक है। अब कितना आ गया हमारा, हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या निकल के आएगा हमारा, हमारा निकलेगा 16 के साथ हमारा मल्टीप्लाई जाएगा 3 और अपॉन 10, ठीक है। 2 5 10 और 2 8 16। अब हम करेंगे तो 8 3 24 होता है, 24/5 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आ जाएगा, 5 4 20 पॉइंट रखेंगे, 5 8 मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया है, हमारा 4.8 रुपीज निकल के आया है। इतना उसका देखो 30 रुपये में उसने 30 रुपीज में उसने खरीदा था, हमारा प्रॉफिट कितना 4.8 रुपीज के एक के ऊपर उसने 4.8 रुपीज कमा लिए, ये प्रॉफिट होता है हमारा, है ना। तो 4.8 रुपीज एक के ऊपर कमा लिया। सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारा, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं साथ में, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हम लिखे देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 30 है और प्रॉफिट कितना निकला है हमारा 4.8, तो 4.8 का प्लस कर देंगे, हमारे पास कितना बचा 34.8 रुपीस। मतलब उसने 30 रुपये का जो 30 रुपीज़ में जो आर्टिकल खरीदा था उसको उसने 34.8 रुपीज़ के प्रॉफिट से सेल किया है, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हो जाता है।